से। अलवर जिले के मालाखेड़ा अलवर सड़क मार्ग पर कार और टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में दो लोग गंभीर घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोड पर वाहनों के क्षतिग्रस्त टुकड़े फैल गए। वहीं टक्कर में घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अलवर के राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजन ने बताया कि लिली से कल साड़ा बाईपास पर टेम्पो मेंटेनेंस कराने के लिए प्रेम व सतीश आए हुए थे। रास्ते में सामने से आ रही अनियंत्रित में तेज गति से ब्रेजा कार ने उनके टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे प्रेम व सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें मालाखेड़ा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत होने के चलते अलवर रेफर कर दिया। अलवर में सतीश की हालत चिंताजनक है, जिसे लेकर अलवर के डॉक्टर ने सतीश को जयपुर रेफर कर दिया। घायल सतीश टेंट का कार्य करता है, तो वहीं प्रेम ड्राइविंग करता है। जी सर, लीली गांव से कल सड़क ले आए थे, गाड़ी को धुलवाने के लिए आए थे, और बीच कलसड़े में मतलब कलसड़ा बाईपास में इनका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी गाड़ी ब्रेजा थी और ये दोनों उसमें टेम्पो में थे। एक का नाम प्रेम था, एक का नाम सतीश था। अच्छा, कौन सी तहसील, कौन सा गांव है? ग्राम पोस्ट लीली है, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर। अच्छा, जो सामने से ब्रेजा गाड़ी, उनमें किसी का पता है किसी के लगी? ब्रेजा गाड़ी जो सामने से एक्सीडेंट जिसने किया था, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये क्या काम करते हैं? ये सतीश जो है, ये टेंट का काम है, इसके पास टेंट की दुकान है, और जो प्रेम है वो ड्राइविंग करता है, उसी का टेंपो था। कितनी कितनी उम्र होगी? सतीश की उम्र 27 करीब है और प्रेम की 33-35 के आसपास। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, सतीश कुमार का बड़ा भाई। अच्छा, तो घर से गाड़ी को धुलवाने के लिए निकले थे जी, तो उनको हॉस्पिटल कौन से में ले जाया गया था? मालाखेड़ा सीएससी में गए थे, वहाँ पर डॉक्टरों ने इनका थोड़ा उपचार किया और अलवर के लिए रेफर कर दिया। अभी ये अलवर हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या नाम है? यहाँ पर भी डॉक्टर बोल रहे हैं जयपुर इनको भेजा जाएगा। सतीश की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से इनको जयपुर SMS के लिए रेफर के लिए बोला हुआ है। CT स्कैन करने के बाद में इसको जयपुर के लिए रवाना करेंगे डॉक्टर साहब।